हाँ तो वॉर ड्रामा मूवीज के दीवानों, अगर बोर हो चुके हो टिपिकल वॉर ड्रामा वाली मूवीज के ब्लूप्रिंट से जो लगभग एक ही रहता है, तो आप देख सकते हो मूवी इप्पा, जो अमेज़न प्राइम पर आई है। एक मिक्स बैग ऑफ इमोशंस लाती है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ अजीब। तो चलो इस मूवी के बारे में और बताता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। Get your popcorns ready। हाँ तो भाई, हमने वॉर ड्रामा मूवीज तो बहुत देखी हैं, बायोपिक्स भी देखी हैं जो इंडिविजुअल सेंट्रिक होती हैं। बट क्या आपने एक ऐसी मूवी देखी है जो टैंक के ऊपर सेंट्रिक हो, एक टीन का भारी डिब्बा पिप्पा। तो पिप्पा मूवी के अंदर दिखाई गई है 1971 इंडो पाक वॉर, जिसमें बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाई गई थी इंडिया के द्वारा, और जो वो टैंक था वो पानी में, जमीन में, दोनों में चल सकता था। तो उस टैंक का रोल काफी ज्यादा रहा था इस वॉर के अंदर। ये मूवी ना दो मूवीज की तरह लगेगी, रियल इवेंट्स पर बेस्ड है बट कॉमेडी मसाला वाली भी लगेगी और वॉर ड्रामा वाली भी लगेगी। तभी कहा था ये टिपिकल वॉर ड्रामा मूवीज के ब्लूप्रिंट पर नहीं चलती, अलग है। अलग है तो बढ़िया है। वेल, ये मैंने नहीं कहा, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप पैट्रियटिज्म ढूंढने जा रहे हैं, वो अंदर से देशभक्ति वाला फील, वो काफी ज्यादा मिसिंग लगेगा। शेरशाह मूवी थी, उसमें एक पर्सनल कनेक्शन हुआ था सिद्धार्थ मल्होत्रा से, बट इस मूवी में आपको वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप किसी करेक्टर से इमोशनली लेवल पर कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। और भाई, आई डोंट नो फ्यूचर में कोई मूवी आएगी या पहले आ चुकी है जिसमें मैं बोलूंगा कि एक्टिंग अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी, बट करेक्टर वो सूट करा ही नहीं। ईशान खट्टर, लाइक इमेजिन टाइगर श्रॉफ एज खिलजी, नहीं जम रहा ना। वैसे ही ईशान खट्टर एक सोल्जर का रोल करते हुए नहीं जम रहे यार, फिजिक कह लो या जो भी कह लो, सोल्जर वाली नहीं लग रही। और भाई, करेक्टर के थोड़े लॉजिकल फ्लॉज भी दिखाए हैं। आई मीन, एक पॉइंट पर करेक्टर उनका कहता है कि वो आर्मी में या सोल्जर इसीलिए बन गए क्योंकि उन्होंने 12th क्लास में एक फॉर्म भर दिया था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट उनको टैंक बहुत ज्यादा प्यारा है, जिसका बताया ही नहीं गया कोई बैक स्टोरी। और वो कैसे उनमें भाई पैट्रियटिज्म आया, उनका कोई इंटेंशन था ही नहीं सोल्जर बनने का, तो वो भावना वो फील ही नहीं हो पाती कि ये एक सोल्जर है। तो इस मूवी को अगर आप पैट्रियटिज्म से जज करने जाओगे तो बिल्कुल फेल कर देगी। बट वहीं आप अगर दूसरे एंगल से देखोगे, जो कॉमेडी दिखाई गई है, जो एक लाइट सा फील कराया गया है, वो काफी अच्छा है, उसमें मजा बना रहता है। आई मीन, मुझे तो काफी मजा आया उसमें। और जो टॉर्चर वाला सेगमेंट दिखाया है ना, वो भी काफी अच्छा है। और उसमें मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा शिबली की एक्टिंग, जो शिबली करेक्टर है साइकोपैथ से वाला, वो एक्टिंग जबरदस्त है भाई, मजा आएगा। और भाई, वॉर एकदम से सीधा नहीं हो जाती, पाइलअप होती है, काफी सारे इवेंट्स होते हैं पहले, वो देखकर भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। तो ओवरऑल ये बोर तो नहीं करेगी मूवी, टाइम भी नहीं मांगेगी, इंटरेस्ट आपका बनाकर रखेगी स्टार्टिंग से। बस वही पैट्रियटिज्म वाला फील नहीं मिलेगा, अगर उसकी आपको परवाह ज्यादा है नहीं, कुछ नया टेक देखना है वॉर ड्रामा पर, तो देख सकते हो, मजा तो आएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो 6 ऐसी मूवीज देखने के लिए जिनमें भर भर के एक्शन, फैंटेसी और कॉमेडी का टच भी, तो मैंने रीसेंट वीडियो डाली थी, वो आप देख सकते हो। अलविदा।